पूर्णिया सीट को लेकर गहमा गहमी बढ़ गई है। 3 अप्रैल को आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती नामांकन करेंगी, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव ने 4 अप्रैल को नामांकन का ऐलान किया है। सीमांचल के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने दोनों प्रत्याशियों से मुलाकात की और समर्थन मांगा। सबसे पहले पप्पू यादव पूर्व सांसद उदय सिंह के घर पहुंचे और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद बीमा भारती पहुंची और उनका आशीर्वाद लिया। बीमा भारती ने अपने पक्ष में समर्थन मांगा और कल के नॉमिनेशन में पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि अभिभावक होने के नाते आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, पूरा विश्वास है कि नॉमिनेशन में आएंगे, साथ ही रंगभूमि मैदान में होने वाली तेजस्वी की जनसभा में मंच साझा करेंगे। उनका ही सना प्यार मुझे जो कि मिलना चाहिए और उनका सना प्यार लेने के लिए हम यहाँ पर आए थे और बिल्कुल आश्वासन भी दिया गया है कि साथ रहेंगे। आए सब आवे, यहाँ आना ही चाहिए और हम भी आए। पूर्णिया लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी बीमा भारती 3 अप्रैल को नॉमिनेशन करेंगी, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश है। बताया जा रहा है कि नॉमिनेशन के दौरान खुद तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। पर्चा दाखिल करने से पहले नेता प्रतिपक्ष शहर के रंगभूमि मैदान में सभा को भी संबोधित करेंगे। बीमा भारती की जीत और तेजस्वी यादव के कार्यक्रम को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा। जो कार्यकर्ता है उनमें भी एक जोश है, किस तरह से यहाँ पर नामांकन में भीड़ जुटेगी और किस तरह से तैयारी का है उसका जायजा लेने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं और बात करते हैं। युवा राजद के जिलाध्यक्ष हैं नवीन कुमार यादव जी, उनसे बात करते हैं। क्या नवीन जी, कैसा तैयारी चल रहा है? हम लोग का भारी तैयारी है। क्या लग रहा है कि किस तरह से आप लोग चुनाव में जाइएगा और क्या लेके जाइएगा, क्या मुद्दा रहेगा? हम लोग के पास तो सबसे बड़ा मुद्दा है, आप जान ही रहे हैं, 17 साल बनाम 17 महीने में जो काम करके तेजस्वी यादव जी ने दिखाया है, बस उसी पे हम लोग चुनाव। और क्या लगता है इस बार का चुनाव किस ओर जाएगा? हमारा तैयारी तो भव्य रहेगा, क्योंकि हम लोग जो है वो हम लोग बातों पे नहीं रहते, हम लोग जमीनी हकीकत पे काम करते हैं। आपने देखा कि किस तरह से रोजगार बोला जाता था, रोजगार नहीं है, लेकिन 17 महीने में जो रोजगार देने का काम किया गया है, ये पूरे भारत में ही अपना एक विश्व एक कीर्तिमान स्थापित किया है। यहाँ से बीमा भारती उम्मीदवार है और निश्चित रूप से बीमा भारती 2 से 3 लाख वोट से जीतेगी। तो क्या लेके जाएंगे, क्या रहेगा इस बार का मुद्दा? 17 साल भर से 17 महीना का मुद्दा रहेगा, जो रोजगार तेजस्वी जी 17 महीना में देने का काम किया, हम लोग वही मुद्दा लेकर के जनता के बीच जाएंगे। भारी हर तरफ से दिखाई दे रहे हैं और बीमा भारती के जो हमारे मुखिया हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उनका एक ही लक्ष्य है, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, स्वास्थ्य और रोजगार। इन्हीं मुद्दों पे हमारे बीमा भारती 3 लाख वोटों से ज़्यादा जीत के अपना पूर्णिया का सीट कब्जा करेगी। हम रोजगार को जानते हैं, जिन्होंने रोजगार देने का काम किया है, आज इधर 17 महीने में जो काम दिया वो जनता के आगे में दिख रहा है। किस तरह से हमारे जो नेता हैं माननीय तेजस्वी जी युवाओं में जोश भर रहे हैं और युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। बात गई पप्पू यादव की, हम लोग उनको नहीं जानते हैं, हम जिनका कार्यकर्ता हैं, जिनका जो हमारे नेता हैं, जो वो गाइडलाइन दिए हैं उनके अनुसार हम चल रहे हैं जी। हमारे तमाम जो साथी हैं युवा राष्ट्र जनता दल के, जितने भी हमारे टीम हैं, सभी नौजवान में पूरा जोश और जुनून भरा हुआ है। सभी लोग कल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम लोग आ करके नॉमिनेशन में हम लोग अपना एक से एक अपना संख्या दिखाएंगे और हम लोग सब मिलकर के जिताने का कार्य करेंगे। तेजस्वी यादव भी कल आएंगे और उन्होंने जो कार्यकर्ताओं में कल जोश भरने का काम करेंगे। इसके बाद ये लोग क्षेत्र में जाएंगे और इसके बाद वहाँ से जो लोकसभा चुनाव का है वो तैयारी जो है वो दिखाई पड़ेगा। कहा जा सकता है कि NDA से यहाँ से संतोष कुशवाहा मैदान में है, वहीं महागठबंधन से राजद की प्रत्याशी जो है बीमा भारती कल नामांकन करेंगी। दूसरी ओर 4 अप्रैल को पप्पू यादव भी नामांकन करने की बात जो है कहे हैं कि जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 26 अप्रैल को चुनाव यहां पे होता है तो जनता का मूड और मिजाज क्या होता है। पूर्णिया से अमित कुमार कैमरामैन के साथ प्रफुल्ल झा, पूर्णिया। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।